तो बाण चलाए लखन ने रण में जबीर साय, आज मेघनाथ की भुजा दी तो लंका माही पठाय। श्रोणी तुम्हें हो रही भुजा सायक रहे समाय, नभुसी आंगन में गिरी मेघनाथ के जाय। राजत जहां सुलोचना रतिसी रूप अपार, नाग सुता दस कंद की तो बड़े पुत्र की नार। हा प्रिय सजनों, त्रेता युग की बात है। राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था, तो रावण का पुत्र मेघनाथ और लक्ष्मण जी के युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी ने बाण चलाए तो मेघनाथ की भुजा को काट कर लंका में पहुंचा दी। मेघनाथ की भुजा मेघनाथ के आंगन में जाकर गिरी। श्रोणित में भुजा हो रही थी, यानी खूनों में भुजा हो रही थी, और उसमें सहायक यानी बाण समा रहे थे। नब से आकर भुजा आंगन में गिरी। तुरंत ही भुजा को पहचान कर सिलोचना किस प्रकार से कह रही है। अरे नाग सुता हो रही अधीर, नैनन में भर लाई रे नीर, लगी भुजा पहचान पति प्यारे की, तू कुशल सुना दे मोये बल में हमारे की।
सजनों, सुलोचना पति की भुजा को पहचान कर कहने लगी, मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, आज लक्ष्मण जी के साथ में मेरा ही पति युद्ध कर रहा है और मेरे ही पति की ये भुजा है। भुजा को पहचान कर मेघनाथ की नारी सुलोचना बहुत ही ज्यादा घबरा रही है और पूछ रही है कि हे भुजा, मुझे मेरे पति के समाचार सुना दे। मेघनाथ की भुजा ने सारा समाचार लिखकर सुलोचना को बता दिया। इन समाचारों को सुनकर सुलोचना कहने लगी कि हे प्यारी भुजा, मेरे तेरी बात समझ नहीं आती है। जो पुरुष 12 साल नींद और 12 साल नारी और 12 साल अन्न को त्याग देगा, वो ही मेरे पति को मार सकता है। मेरे पति को इस प्रकार का वरदान लगा हुआ है। अरे लिख कर हाल भुजा समझायो, लखन लचारी है 12 साल तान और नींदा तज दीनी घर वारी है। अरे लिख कर हाल भुजा समर के माई है।
विश्वास है तू ये भुजा महल भिजवाई है। सुन सुके मारी बात हमारी शीस समर के पाई है। लक्ष्मण जी की कबूताई के दहीर बुझाने सारी लक्ष्मण जी की कबूताई हर थे दहीर बुझाने सारी ले भुजा हाथ में सजनों, भुजा कहने लगी और लिखने लगी कि हे प्रिय सुनो, शेषा अवतारी लक्ष्मण जी जो हैं, वो ऐसे ही ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने 12 साल अन्न, 12 साल निंद्रा और 12 साल नारी को त्याग दिया है और उन्होंने ही मेरा यह हाल किया है। ये भुजा केवल तुझको विश्वास करने हेतु महलों में भिजवाई है और प्यारी मेरा शीश जो है वो समर के ही बीच में पड़ा हुआ है। इतनी बात को सुनकर भुजा को हाथ में लेकर मेघनाथ की नारी रोने लगी। Thank you।
भजनों, भुजा को देखकर और पति की याद को कर करके सिलोचना रो रही है। और सिलोचना अपने ससुर रावण के पास में गई और कहने लगी कि हे पिताजी, मुझे मेरे पति के शीश को मंगवा दीजिए। तो पुत्र वधु की जब सुनी अरे बाणी पुलिस समान और जीवन का तब ही तजा तो दस कंदर ने ध्यान। तो बेटी तू किस वास्ते अरे होती है दिलगीर और तीन लोक में कौन है तो सुन मेरा जैसा वीर। हाँ प्रिय सजनों, सिलोचना को रोती हुई देखकर रावण कहने लगा कि हे बेटी, तू इस प्रकार से क्यों घबरा रही है? तीन लोक में मेरा जैसा कोई वीर नहीं है, इसलिए तू कोई भी चिंता मत करे। क्रोध में आकर कहे लंका पति, बेटी धर ले वीर तू रोवे मनी। अरे सिलोचना को रोती देखकर रावण कहने लगा कि हे बेटी, तू तेरे मन में धीर धर, मैं तुरंत ही सेना लेकर रामादल में जाऊंगा और तेरे पति के सर को लेकर आऊंगा।
तू किसी प्रकार की चिंता मत करे, इस तेग के बल से मैं तुझे सती करवाऊंगा। इस प्रकार से रावण बार बार सुलोचना को धीरे बना रहा है। हाँ, क्रोध में होकर गए लंकापति, बेटी धर ने धीर तू हो गए मती, बेटी धर ने धीर तू हो गए मती। We'll be right back.
गलती करानी है। अरे कतिया ससुर भीषण धारो सिलोचना को ज्यादा व्याकुल देखकर मदोदरी कहने लगी कि हे बेटी, तू किसी बात की चिंता न कर और सब कुटुंब परिवार को त्याग कर रामा दल में चली जा, क्योंकि तुम्हारा ससुर दशकंदर जो है ये तो अभिमानी है और इसको ये मालूम नहीं है कि राम जी अवतार हैं। इसलिए तू रामादल में चली जा, वहां पर तुम्हारा काकिया ससुर भभीक्षण जो है वो राम की शरण में गए हुए हैं और इधर भगवान भी दीन दुखियों के दुख को हरता है, वो तुम्हें देखकर भगवान राम निश्चय ही सती करवा देंगे। इस प्रकार से मदोदरी ने सिलोचना से कहा। तो शरण राम के जा रही और तज माया अभिमान, कपट छिंद को त्याग कर तो सुमर श्री भगवान। अब कपट छिंद को अर त्याग कर सुमर श्री भगवान। अरे कपट छिंद को अर त्याग कर सुमर श्री भगवान। अरे शरण राम के जा रही I'm
सजनों, मदोदर की बात को सुनकर और लंका को छोड़कर सिलोचना रामादल में आ गई और कहने लगी कि भगवान मुझे केवल तेरा ही भरोसा है। इस प्रकार से रोती रोती सती रामादल में आ गई। रही है रोदन मचाए, अरे बिने करे रघुनाथ से प्रभु देव सती कराए। हा अरे रामा दल में रुदन मचाए, अरे रामा दल में रुदन मचाए, पति संग देव सती कराए। यो बोले नारी को समझा।
गोद में नारी की पति से करे पुकार। और लेकर शीश गोद में नारी पति से करे
देश महान। अर जति सती दानी वीरों का भारत देश महान। अर दुर्गा लाल गौर करिया की दीनी कथा बताए राम जल में रुदन मचाए पति सग देव सती कराए। हीरा लाल कविता जो न करे अकेला।